हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपन लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। आज अपन लोग किस कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे? आज अपन लोग पढ़ेंगे मटर के बारे में। चलिए दोस्तों, अपन लोग बात करते हैं मटर की। सबसे पहले देखते हैं मटर का बोटनिकल नेम, यानी कि मटर का वानस्पतिक नाम है क्या होता है। तो आपको याद रखना है, आपको सीधा अगर ऐसे पूछे कि मटर का वानस्पतिक नाम होता है तो आपको क्या बताना है, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम क्या होता है दोस्तों? मटर का वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें, जो मटर होती है इसकी जनरली दो प्रजातियां होती है मुख्य रूप से, वो कौन कौन सी होती है तो आपको याद रखना है, एक तो होती है अपनी फील्ड पी और एक होती है अपनी गार्डन पी। कौन कौन सी? एक तो होती है क्या, फील्ड पी, और दूसरी होती है अपनी कौन सी दोस्तों, गार्डन पी। अपन लोग बोल सकते हैं एक को तो उधान मटर और दूसरी को अपन लोग बोल सकते हैं सब्जी मटर। अगर अपन लोग बात करें जो अपनी फील्ड पी होती है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, पाइसम सेटाइवम। वैरायटी कौन सी आएगी दोस्तों यहाँ पर है? फील्ड पी में अपनी वैरायटी आएगी आर्वेंसिस, आर्वेंसिस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें गार्डन पी की, इसमें आएगा पाइसम सेटाइवम। वैरायटी कौन सी रहेगी दोस्तों? इसमें वैरायटी रहेगी ओर्टेंस। ओर्टेंस क्या रहेगी दोस्तों? इसमें अपनी वैरायटी रहेगी। तो ये अपन लोगों ने दो तरह की मटर की बात कर ली, और यहीं पर आपको याद रखना है जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे, जिन्हें अपन लोग अनुवांशिक का जनक कहते हैं, उन्होंने गार्डन पी के ऊपर ही क्या किए थे दोस्तों, अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब अपन लोग देखते हैं फैमिली। अगर आपको पूछे मटर का परिवार या फिर कुल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है दोस्तों, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है कौन दोस्तों, अपनी मटर। और यहीं पर अगर बात करें इसमें गुणसूत्र संख्या, तो आपको याद रखना है मटर में गुणसूत्र संख्या होती है दोस्तों कितनी, 14। और इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, इथोपिया या फिर भारत क्या होता है दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थान होता है। तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से याद रखनी है, किसके बारे में, मटर के बारे में। अब अपन लोग आगे बात करते हैं मटर से संबंधित, तो आपको याद रखना है दोस्तों मटर अपना लेग्यूमिनेसी फैमिली का पादप है, तो इसके अंदर अपना फ्रूट टाइप क्या होता है, फल प्रकार। आपको पूछे मटर में फल प्रकार, तो मटर में फल प्रकार क्या होता है दोस्तों, पोड, यानी कि फली क्या होता है इसके अंदर, फल प्रकार होता है। इसके बाद अगर अपन लोग और बात करें तो मटर में आपको याद रखना है सेलिंग परसेंटेज, मटर में सेलिंग परसेंटेज कितने होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं 49%। कितने होते हैं? 49% इसमें क्या होता है दोस्तों, सेलिंग परसेंटेज होता है। और आपको ये बात भी बता चुका हूँ मैं, तो अपने ग्रेगर जोहन मेंडल थे, कौन है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल थे, इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फादर ऑफ जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक के जनक। ग्रेगर जोहन मेंडल को अपन लोग बोलते हैं अनुवांशिकी के जनक। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था दोस्तों, मटर के ऊपर प्रयोग किया था। और मटर कौन सी मटर पे, तो आपको याद रखना है जो अपनी उधान मटर होती है, कौन सी, उधान मटर। उधान मटर के ऊपर ही प्रयोग किए थे किसने, ग्रेगर जोहन मेंडल ने। तो आपको ये जनरल चीज़ों के अंदर ये बातें भी अच्छे से याद है रखनी है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है जो अपनी उधान मटर होती है इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है दोस्तों, 7.2%। इसमें उधान मटर में 7.2% क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन। और यहीं पर अपनी जो फील्ड पी होती है, कौन सी, फील्ड पी या फिर फील्ड मटर जिसे अपन लोग बोल देते हैं, जिसे सब्जी मटर भी अपन लोग बोल देते हैं, उसके अंदर लगभग कितना, 22 से लेकर के 25% दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट होता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्या है दोस्तों इसके अंदर, है
प्रोटीन कंटेंट है, आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से याद है, मटर से संबंधित आपको यादें रखनी है। अगर अपन लोग बात करें मटर के अंदर परागण कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था मटर के अंदर परागण कैसा होता है दोस्तों, इसमें स्व परागण होता है। क्या होता है? स्व परागण होता है। परागण कैसा होता है इसमें? इसमें परागण होता है दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्व परागण। अब यहीं से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अपन लोग याद कर लेते हैं। सब्जियों के अंतर्गत स्व परागण किस किस में होता है? किस किस में होता है? टमाटर में होता है, इसके बाद आलू में होता है, मटर में होता है, और अपना कौन, मेथी। इन चारों के अंदर दोस्तों क्या होता है? स्व परागण होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर अपन लोग बात करें मटर से संबंधित आगे, तो आपको पता होगा जो मटर होती है ये अपनी कैनिंग के लिए दी बेस्ट वेजिटेबल होती है। तो आपको पूछे कैनिंग के लिए सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है? डिब्बाबंदी हेतु, डिब्बाबंदी हेतु सबसे उपयुक्त सब्जी, सबसे उपयुक्त सब्जी। अपन लोग ये पीएचडी के अंदर भी बात कर चुके हैं, सबसे उपयुक्त सब्जी तो कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है मटर। कौन सी होती है? मटर। पर आपको पता है मटर के अंदर अगर आप करना चाहते हो डिब्बाबंदी, तो इसके लिए आपको क्या देखनी होगी? इसके अंदर है परिपक्वता। क्या देखनी होगी दोस्तों? परिपक्वता। तो मटर में परिपक्वता जांच करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? तो यंत्र काम में लेते हैं टेंड्रोमीटर। कौन सा? टेंड्रोमीटर। कौन सा यंत्र काम में लेते हैं दोस्तों? टेंड्रोमीटर, इसके लिए अपन लोग काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लोगों ने बात की है क्या मटर से संबंधित सामान्य जानकारी। देखिए दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इसके बाद अगर अपन लोग आगे देखें, तो अपनी जो मटर होती है आपको पता है कि लेग्यूम क्रॉप है। क्या है? एक दलहनी फसल है। कौन है? मटर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ यह क्या है? दलहनी सब्जी बोल सकते हैं, दलहनी फसल भी बोल सकते हैं। आपको पता है जो दलहनी सब्जी या फिर दलहनी फसल होती है, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए अपन लोग एक बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जिसका नाम होता है क्या दोस्तों? राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। तो आपको याद रखना है जो अपनी मटर होती है इसके बीजों को अपन लोग राइजोबियम लेग्यूमिनीसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनीसोरम नामक जो अपना बायो फर्टिलाइजर होता है उससे अपन लोग क्या करते हैं? उपचारित करते हैं से बीजों को उपचारित करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? अपना एक बायो फर्टिलाइजर होता है। कैसा बायो फर्टिलाइजर? अपन लोग बोल सकते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु, यानी कि ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं दोस्तों मटर के अंदर क्या? जलवायु। क्या देखते हैं दोस्तों? जलवायु। जलवायु बात करें तो अपन लोग क्लाइमेट। आपको पता होगा जब मटर होती है अपनी ये कौन सी जलवायु की होती है दोस्तों? ये शीतोष्ण या फिर शीत जलवायु की होती है। इसकी जलवायु क्या होती है? शीत जलवायु, या फिर इसे तुम लोग बोल सकते हो शीतोष्ण जलवायु। इसकी जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण जलवायु। इसके अंदर अंकुरण के लिए आपको तापमान पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है मटर में जर्मिनेशन हेतु, जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? तो 22 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस इसमें जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त तापमान रहता है। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो मटर के अंदर बीज दर क्या देखेंगे अपन लोग? अभी सीड रेट। आपको याद रखना है मटर में दो तरह की बीज दर होती है। एक तो सबसे पहली होती है अपनी सामान्य बीज दर। क्या होती है दोस्तों? सामान्य बीज दर। तो मटर के अंदर सामान्य बीज दर कितनी होती है? मटर में होती है 75 से लेकर के 100 किलो प्रति हेक्टेयर, 75 से लेकर के 100 किलो प्रति हेक्टेयर होती है सामान्य बीज दर। और यहीं पर अगेती व सब्जी हेतु, अगेती व सब्जी हेतु बीज दर कितनी रहती है दोस्तों? तो ये रहती है अपनी 100 से 120 किलो, 100 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर क्या रहती है दोस्तों? सीड रेट रहती है। तो आपको मटर के अंदर ये सारे के सारे अपने पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। अगर अपन लोग देखें नेक्स्ट, देखिए दोस्तों मटर में अगर अपन लोग बात करें आगे,
तो आगे अपन लोग पढ़ेंगे मटर के अंदर बुआई का समय, बुआई का समय। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, मटर शीत ऋतु की है तो इसमें बुआई का समय क्या होगा दोस्तों, अक्टूबर से लेकर के नवंबर, क्या होता है अक्टूबर से लेकर के नवंबर महीना जो होता है अपना, वो किसके लिए उपयुक्त होता है, बुआई के लिए। और इसके अंदर R इंटू P यानी कि पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं दोस्तों, तो वो रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर, कितनी रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर। ये अपनी आगे इससे संबंधित सामान्य बातें। अब देखो दोस्तों, आपको मटर के अंदर एक एक्टिविटी याद रखनी है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं एक कर्षण क्रिया होती है, जिसे अपन लोग बोलते हैं क्या स्टैकिंग, क्या बोलते हैं दोस्तों स्टैकिंग। मटर के अंदर आपको पता है फल प्रकार क्या होता है, पोड होता है। जब अपन लोग मटर की फसल लगाते हैं तो आपको पता है जो फलियां होती है ना दोस्तों, क्या चीज अपनी, जो फलियां होती है वो मिट्टी के संपर्क में आने लग जाती है। अगर फलियां मिट्टी के संपर्क में आएंगी तो आपको पता है यहाँ पर कोई ना कोई फंगस लग सकता है, या फिर कोई भी विकार हो सकता है, कोई भी रोग हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, मटर में सहारा देने की क्रिया अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, मटर में सहारा देने की क्रिया, सहारा देने की क्रिया यानी कि अपन लोग स्टैकिंग करते हैं, किसमें, मटर में। अपन लोग जो फलियां होती है, फिर इसका जो तना होता है, इसके पास में कोई भी अपन लोग सहारा देने के लिए लकड़ी या फिर कुछ भी ईंटे वगैरह लगा देते हैं, इससे जो फलियां होती है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आती। तो आपको याद रखना है मटर में सहारा देने की क्रिया अपनाई जाती है। अगर अपन लोग देखें आगे तो अपनी जो मटर होती है दोस्तों, इसके कीट व रोग देखते हैं, मटर में लगने वाले प्रमुख कीट व रोग देखिएगा दोस्तों, भी प्रमुख कीट व रोग। तो आपको बस नाम याद रखना है दोस्तों, इसके अंदर प्रमुख कीट कौन सा लगता है अपना, फल छेदक, कौन सा याद लगता है दोस्तों, फल छेदक क्या होता है दोस्तों, इसका प्रमुख कीट होता है। इसके अलावा इसके अंदर लीफ माइनर भी लगता है, कौन लगता है, लीफ माइनर। ये दो तो आगे इसके प्रमुख कीट। अगर मैं बात करूं इसके प्रमुख रोगों की, इसके प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो आप याद रखना इसमें लगने वाला प्रमुख रोग होता है अपना पाउडरी मिल्डो, कौन सा होता है दोस्तों, छाछा रोग, जैसे अपन लोग छाछा रोग भी बोल सकते हैं, जैसे अपन लोग चुरोनिल आसिता भी बोल सकते हैं, जैसे अपन लोग पाउडरी मिल्ड्यू भी बोल सकते हैं। यह एक कवक होता है, उसकी वजह से होता है दोस्तों, यानी इसका रोगजनक क्या है, एक कवक रोगजनक होता है इसमें, एक कवक। और कवक कौन सा होता है दोस्तों, एरिसाइफी पीसी, कौन सा होता है दोस्तों, एरिसाइफी पीसी, एरिसाइफी पीसी नामक कवक की वजह से क्या होता है दोस्तों, अपना छाछा या फिर पाउडरी मिल्ड्यू रोग अपने को मटर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो इसके अंदर विल्ट भी लगता है दोस्तों, कौन सा लगता है, विल्ट, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, झुलसा, क्या बोलते हैं दोस्तों, झुलसा। विल्ट आपको पता है कि कौन सा कवक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सब में सेम ही होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, इसकी बस वेराइटियाँ बदलती है, इसमें पीसी इसकी क्या आ जाएगी, वेराइटी, तो क्या आएगा दोस्तों इसमें, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, ऑक्सिस्पोरम नामक कवक की वजह से अपने को मटर के अंदर विल्ट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अपन लोग आगे देखते हैं, इसके अंदर एक मार्स स्पॉट नाम की डिजीज भी होती है, मार्स स्पॉट दी मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है दोस्तों। ये जनरली किसकी कमी से होती है, ये मैग्नीज की कमी से होती है, किसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से होने वाला मटर में रोग कौन सा होता है दोस्तों, मार्स स्पॉट होता है। ये मैंने आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर भी बताया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको किसके अंदर याद रखनी है दोस्तों, मटर के अंदर अच्छे से याद रखनी है। इसके प्रमुख ये तीन रोग हैं, इनको तो अच्छे से याद रख ही लेना। कीट कौन सा लगता है, फल छेदक, इसके बाद में लीफ माइनर। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं मटर के अंदर। आगे अगर अपन लोग बात करें तो जो दोस्तों जो मटर होती है इसमें अपनी बाकी रही है अभी क्या, किस्में यानी कि वेराइटियाँ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें प्रमुख किस्में, मटर की प्रमुख किस्में। तो अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, मटर की प्रमुख किस्मों की बात करते हैं, तो सबसे पहले वेराइटी आती है बोन विले, कौन सी आती है दोस्तों, बोन विले,
ये जो बोनविले नाम की किस्म है दोस्तों, ये डिब्बा बंदी के लिए या फिर सुखाने के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए? ये ड्राइंग के लिए उपयुक्त बोल दो या फिर डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त होती है। आपको पूछे बोनविले की खास बात है तो सुखाने हेतु उपयुक्त किस्म, हेतु उपयुक्त किस्म। इसके बाद अगर मैं दो नंबर पे बात करूं तो दो नंबर पे अपनी वैरायटी आती है दोस्तों अर्केल। कौन सी आती है दोस्तों? अर्केल। अर्केल जो किस्म होती है इसकी खास बात होती है दोस्तों, इसमें संपूर्ण फली खाई जाती है तथा इसका आकार कैसा होता है? हंसिया आकार। कैसा होता है दोस्तों? हंसिया आकार इसका आकार होता है। और इसमें अपन लोग क्या करते हैं? संपूर्ण फली को खाते हैं, संपूर्ण फली खाते हैं। प्लस में इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? इसका आकार होता है हंसिया आकार, हंसिया आकार। मटर की ऐसी कौन सी किस्म है जो हंसिया आकार है जिसमें संपूर्ण फली खाई जाती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? अर्केल। दो नंबर, तीन नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आती है अपनी दोस्तों कौन सी? साल्विया। इसकी संपूर्ण फली खाई जाती है, इसकी भी साल्विया की भी क्या खास बात है? इसमें भी संपूर्ण फली खाई जाती है, संपूर्ण फली खाते हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट वैरायटी आती है अपनी जिसका नाम है अर्पणा। ये प्रथम बोनी किस्म व पत्ती रहित किस्म। अर्पणा प्रथम बोनी किस्म या फिर अपन लोग बोल सकते हैं इसकी खास बात क्या है? यह पत्ती रहित किस्म है, लीफलेस, पत्ती रहित किस्म। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों किसके अंदर? अपनी इन चारों वैरायटियों के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन लोग वैरायटी की बात करें तो नेक्स्ट वैरायटी अपनी कौन सी आती है दोस्तों? नेक्स्ट वैरायटी आती है अपनी कौन सी? रचना। रचना की खास बात क्या है दोस्तों? यह पाउडरी मिल्ड्यू रोग के क्या होती है? प्रतिरोधी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी यह किस्म है। इसके बाद अगर अपन लोग नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी? अर्का अजीत। अर्का अजीत। अर्का अजीत की दोस्तों खास बात क्या होती है? यह भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी होती है, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वैरायटी आती है अपनी कौन सी? अल्डीनार। अल्डीनार ये जो अल्डीनार वैरायटी होती है दोस्तों, ये किचन गार्डनिंग हेतु उपयुक्त है। किसके लिए? किचन गार्डनिंग हेतु, गृह वाटिका हेतु उपयुक्त, किचन गार्डनिंग हेतु उपयुक्त, हेतु उपयुक्त। तो आपको ये भी याद रखनी है अल्डीनार। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें दोस्तों अलंकार। अलंकार अलंकार जो किस्म है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है? इसमें सफेद बीज वाली किस्म है, ये सफेद बीज वाली किस्म, ठीक है दोस्तों। और अपनी नेक्स्ट वैरायटी आती है इसकी अन्य किस्में, तो तब तक आप लोग इनको देख लीजिए एक बार, मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, अपन लोगों ने बात की थी कि इसकी किस्मों की, तो किस्मों के अंदर दोस्तों सबसे पहली किस्म कौन सी है? बोनविले, ये डिब्बा बंदी के लिए फिर सुखाने के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आती है अर्केल, इसमें संपूर्ण फली खाते हैं और फली हंसियाकार होती है। साल्विया, संपूर्ण फली खाते हैं। अर्पणा, प्रथम बोनी किस्म व पत्ती रहित किस्म। आगे देखिएगा रचना, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी। अर्का अजीत, अर्का अजीत भी क्या है दोस्तों? पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है। अल्डीनार किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। और अपनी अलंकार, अब अपन लोग देखेंगे दोस्तों इसके अंदर अगेती किस्में, क्या देखेंगे? अगेती किस्में जो अपनी मटर होती है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी किस्में होती हैं जो अगेती किस्मों के रूप में काम में ली जाती हैं? तो इसमें आती है दोस्तों BL2 अर्किल हरा बोना, BL2 अर्किल हरा बोना। देखिएगा BL2 अर्किल हरा बोना, हरा बोना अर्किल हरा बोना। जवाहर मटर एक, जवाहर मटर एक। इसके अलावा दोस्तों पंजाब 88 यानी कि 88 RP3 और
जे पी 83 आर पी 3 जे पी 83 ये क्या है दोस्तों, सारी की सारी इसकी अगेती किसमें है, Bl2 अर्किल हराबोना। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो जवाहर मटर 1 और पंजाब 88 आर पी 3 और जे पी 83। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपनी क्या अन्य किस्में, इसकी अन्य किस्में देखते हैं दोस्तों। इसके अन्य किस्में कौन कौन सी है, हिसार हरित 1, हिसार हरित 1, आजाद P1 और देखिए दोस्तों हरा बोना, और आती है अपनी लिटिल मार्वेल। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो क्या आती हैं, सपना हंस और स्वाति। और कौन सी किस्म आती है दोस्तों, स्वाति। तो आपको ये सारी की सारी किस्में अच्छे से याद रखनी है। और आती है पंत उपहार व जवाहर मटक 1, पंत उपहार और जवाहर मटर 1, ये सारी की सारी क्या आ गई दोस्तों अपनी, जो पी या फिर अपन लोग बोल सकते हैं मटर है, इसकी वैरायटियां। अब अपन लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिएगा दोस्तों अपन लोगों ने बात की थी यहां से मटर पी, ये तो आपको पता ही होगा इंग्लिश में इसे मटर बोलते हैं या फिर पी बोल देते हैं। देखिए बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका होता है पाइसम सेटाइवम। दो तरह की इसकी वैरायटियां होती है, एक होती है फील्ड पी और एक होती है गार्डन पी। अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, फील्ड पी किसे बोलते हैं अपन लोग दोस्तों, पाइसम सेटाइवम वेराइटी आर्वेंसिस। और अपन लोग गार्डन पी किसे बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम वेराइटी होटेंस। इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों, लेग्यूमिनेसी, गुणसूत्र संख्या 14, ओरिजिन पैलेस इथोपिया। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें इसका फ्रूट टाइप, लेग्यूम जनरली सीधी सी बात है भाई, अपनी लेग्यूम क्रॉप है तो इसमें फ्रूट टाइप क्या होगा, पोड होगा। इसमें सेलिंग परसेंट 49%। अपने जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे अपन लोग ग्रेगर जोहन मेंडल के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी मटर के ऊपर ही प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। और मटर कौन सी मटर पे, उधान मटर, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, गार्डन पी बोलते हैं या फिर पाइसम सेटाइवम वेराइटी होटेंस बोलते हैं, उसके ऊपर प्रयोग किए थे। अगर अपन लोग बात करें प्रोटीन, तो इसमें जनरली 72% प्रोटीन होता है यानी कि उदान मटर में, और फील्ड पी में 22 से लेकर के 25% क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। आगे देखिएगा परागण, इसमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण और किस किस में होता है, टमाटर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें चेस्मोगेमी पाई जाती है। आलू, इसमें हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। मटर और मेथी, डिब्बाबंदी है तो सबसे उपयुक्त सब्जी होती है मटर। इसकी परिपक्वता के लिए अपन लोग टेंड्रोमीटर जो अपना यंत्र होता है उसका उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा मटर वह एक दलहनी सब्जी है। आपको पता है जो दलहनी सब्जियां होती हैं इनकी जड़ों के साथ में सहजीवन करता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। और अपन लोग बात करें मटर के अंदर कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये जो बैक्टीरिया होता है यह क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है किसके साथ में, पी के साथ में। इसकी जलवायु होती है कोल्ड क्लाइमेट बोल दो या फिर शीत जलवायु या फिर शीतोष्ण जलवायु। अपन लोग बात करें मटर के अंदर जर्मिनेशन के लिए 22 यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बीजर देखें तो इसके सामान्य बीजर होती है 75 से लेकर के 100 किलो। और अगेती की बात करें या फिर अपन लोग अब सब्जी हेतु बात करें तो 100 से 120 किलो। इसके बुआई का समय अगर अपन लोग देखें तो बुआई का समय होता है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर, और आर इंटू पी रखते हैं इसमें 30 × 10 सेंटीमीटर। मटर के अंदर आपको पता है जो फलियां होती है अगर वो मिट्टी के संपर्क में आएंगी, यानी कि पोड अगर मिट्टी के संपर्क में आएगा तो उसके अंदर कालापन आ जाएगा, उसमें कोई विकार हो जाएगा, कोई रोग लग जाएगा, कीट लग जाएगा, इस वजह से अपनी मटर की फसल खराब हो सकती है। तो अपन लोग जो पोड होता है या फिर जो फली होती है वह मिट्टी के संपर्क में नहीं आए, सोयल के संपर्क में नहीं आए, इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, स्टेकिंग नाम की क्रिया करते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके प्रमुख कीट पर रोग कौन से, तो इसका प्रमुख कीट होता है फल छेदक या फिर लीफ माइनर रोग होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का रोग जनक एरिसाइफी पीसी। विल्ट लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम की वजह से। इसमें मार्स स्पॉट नाम की डिजीज लगती है, मैग्नीज की कमी से वो होती है। आगे अगर अपन लोग बात करें इसकी किस्में आ जाती है बोनविले सुखाने के लिए अर्केल, ये सारी किस्में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों।